My name is Hima. Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. It's a trending fashion. आप सब कैसे हैं मेरी YouTube family member? I hope कि आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे. परवरदिगार आलम सबको सेहत और तंदुरुस्ती कामिल अता फरमाए. आप लोग अपना खास ख्याल रखा करें. अब जैसे कि आपको मालूम है कि रमज़ान के बाद ईद है, इसके हिसाब से बच्चों की शॉपिंग के लिए मदर वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि किस तरह के ड्रेसेस बनाए जाएं, किस तरह के नहीं. हमारी इस वीडियो से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में जाना बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि केसेस की वजह से कोरोना के मार्केट में जाना बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि शॉप्स बंद हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है. तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सब बच्चों की थोड़ी सी वीडियो शेयर की जाए, ताकि आपको बच्चों के बारे में भी आइडिया मिल सके. क्योंकि कुछ मदर ऐसी होती हैं जिन्हें कपड़े सीने का बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो इस तरह की डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं. कुछ गर्ल्स जो होती हैं बच्चियों को, या गर्ल्स या बच्चियाँ शरारे या लहंगे गरारे पसंद करती हैं, कुछ रेडीमेड कपड़ों को पसंद करती हैं, लेकिन हर किसी की अपनी ही चॉइस होती है. हमारी इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे एक आइडियाज़ मिलेगा कि आपने अगर अपने लिए बच्ची के लिए अपनी बच्ची के लिए किस तरह का ड्रेस बनाना है आपने अपनी, तो किस तरह का नहीं बनाना. अगर आपको रेडीमेड परचेज़ करना है तो वो भी किस तरह का परचेज़ करना है, या अगर आप घर में स्टिच करना चाहती हैं या करना आती है आपको, अगर अपनी टेलर से करवाना चाहती हैं जैसे कि दर्जनें होती हैं तो उससे भी करवा सकती हैं. आप ये देख सकती हैं कितनी खूबसूरत लग रही है जीन्स की शॉर्ट्स, और नीचे बहुत ही स्टाइलिश किस्म का ट्राउज़र था. इस तरह का स्टिच भी कर सकती हैं आप खुद कपड़ा लाकर घर में इजीली, एक लॉन के ऊपर है, आप ये देख सकती हैं. अब जैसे कि समर का मौसम है, इसके हिसाब से भी होनी चाहिए ड्रेसेस. अब ये फ्रॉक्स है, ये भी मैंने इसलिए लिया है कि क्योंकि गर्ल्स को फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं. ईद का पहला दिन जो होता है उसमें गर्ल्स लहंगे गरारे और फ्रॉक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं. कुछ बच्चियाँ जो होती हैं वो बहुत ही शौक से इस तरह के ड्रेसेस को पहनती हैं, क्योंकि उन्हें बैग्स लेने का, मेकअप करने का, मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो इस तरह की फ्रॉक्स वगैरह को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं. मेरी अपनी भी बच्ची हैं, वो इस तरह के ड्रेसेस को पसंद करती हैं, इसलिए मैं आपके साथ जो है हर तरह की ही वीडियो शेयर करती हूँ, ताकि मेरी बहनों को घर बैठे इजीली ड्रेस के बारे में आइडियाज़ मिले. अगर कुछ बच्चियाँ सिंपल ड्रेसेस को भी पसंद करती हैं, जैसे कि कुछ गर्ल्स जो होती हैं उन्हें कॉटन में पसंद होता है, लेकिन कुछ गर्ल्स जो होती हैं फ्रॉक्स को, इस तरह की ड्रेसेस को, नेट वाली ड्रेसेस को भी बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं. हमारी इस वीडियो से आपको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में भी पता चल जाएगा कि आपने कलर किस तरह का बनाना है, किस तरह की नहीं, डिज़ाइनिंग किस तरह की करनी है, क्योंकि लेसिस और पैच वगैरह बहुत ही पेंच वगैरह खूबसूरत स्टाइलिश किस्म के आए हुए हैं. इससे आपको बच्चे के खुस्से वगैरह के बारे में भी आइडियाज़ मिलेगा कि आपने ड्रेस के नीचे खुस्सा बनाना है, या पम्प्स लेने हैं, या इसके अलावा सैंडल लेने हैं. बहुत अच्छा एक आइडिया आपको घर बैठे ईजिली मिल जाएगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों के साथ जिनकी बच्चियों, खासतौर पर उनके साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो को देखकर कोई फ़ायदा हासिल हो सके. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक किया करें, ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें मेरी वीडियो से एक अच्छा, बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल करें. मैंने इससे पहले आपके साथ बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के बारे में वीडियो डाली है, लेकिन अब मैं थोड़ी सी डिफरेंट जाना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि रमज़ान के हिसाब से भी थोड़ी सी वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में ड्रेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि किस तरह के ड्रेस, क्योंकि इसलिए मैं आपके साथ हर तरह की वीडियो ही शेयर करती हूं. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.